और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के कुलगाम से। कुलगाम में आतंकियों से सेना की मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेर लिया है। एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी आसिफ, और क्या जानकारी? यहाँ देखिए, एक पुख्ता जानकारी के आधार पर कुलगाम के अरवनी इलाके में सुरक्षा बलों ने एक गांव को घेरे में ले लिया है और ईदगाहपुरा इलाके में उस एक घर को घेरे में लेकर यहां पे तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि यहां पे लश्कर और हिज्ब के कम से कम 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं जिनके खिलाफ ये तलाशी अभियान चलाया गया है और यहाँ पे गोलियों की आवाज भी सुनाई दी है। लेकिन चिंता की बात ये है कि जैसे ही सुरक्षा बलों का कॉर्डन यहाँ पे शुरू हुआ तो आसपास के इलाके के लोग, जिनमें अरवनी, रेडवनी और इसके अलावा अन्य गाँव के लोग, सड़कों पे निकल आए और सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। और यहाँ पे एक तरफ जहाँ मुठभेड़ चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी चल रही है। हालांकि अभी तक किसी भी मिलिटेंट के मारे जाने की खबर नहीं है, लेकिन पुख्ता जानकारी यह है कि कम से कम 3 मिलिटेंट यहां पे छुपे हुए हैं जिनमें एक लश्कर का टॉप कमांडर भी शामिल है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।